नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2013 नीट के एग्जाम का सवाल है प्रोजेक्टाइल का इट सेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप इन मीटर पर सेकेंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी आपने को ग्राफ बना रखा है पॉइंट बी इज द पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सो नाउ दिस सिनेरियो कि अपना पार्टिकल है ऐसे यहाँ से चला है यह आपका इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है यह आपका पॉइंट है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये आपका बी पॉइंट है हमें बताना है बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी नाउ इस वेक्टर को लिखेंगे तो यू वेक्टर दिया हुआ है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप यानी कि इसकी वेलोसिटी टू आई कैप इस डायरेक्शन में है और थ्री आई जे कैप इस डायरेक्शन में जस्ट जब हमने इसे लॉन्च किया है नाउ बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये अपने को प्रोजेक्टाइल के नॉलेज से पता है कि ये वाली वेलोसिटी टू आई कैप ही रहेगी आ, ये वाली वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में होगी वो टू आई कैप होगी बिकॉज आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चेंज नहीं आता है राइट वाई डायरेक्शन में जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी जो ऊपर थ्री जे कैप थी वो माइनस थ्री जे कैप आ जाएगी तो इस डायरेक्शन में माइनस थ्री जे कैप वेलोसिटी हो जाएगी विच मीन्स फाइनल वेलोसिटी भी विल बी इक्वल टू टू वाई कैप माइनस थ्री जे कैप सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम